फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम समझेंगे नेटवर्किंग के लेयर्स को। दोस्तों, नेटवर्किंग में इन लेयर्स को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट का सारा कम्युनिकेशन इन्हीं लेयर्स पर ही होता है। नेटवर्किंग के ये सारे लेयर्स OSI मॉडल के होते हैं एंड OSI मॉडल को समझना एक हैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको नेटवर्किंग के अलग अलग लेयर्स के बारे में पता चलता है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नेटवर्किंग के कौन से लेयर पर किस तरह के अटैक्स किए जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल आउट टुडेज वीडियो। हेलो गाइज, मैं हूँ आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, OSI मॉडल को अच्छे से समझने के लिए आपको नेटवर्किंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, जैसे कि IP एड्रेसेस क्या होते हैं या फिर MAC एड्रेसेस क्या होते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट से फॉलो नहीं कर रहे हो देन आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, तभी आप OSI मॉडल को अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि OSI मॉडल क्या होता है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड इसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में डेवलप किया था। OSI मॉडल एक 7 लेयर्स का आर्किटेक्चर होता है जिसमें हर लेयर की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है। पूरे इंटरनेट पर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए ये सभी लेयर्स एक साथ वर्क करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नेटवर्किंग के 7 लेयर्स है जिसमें फर्स्ट 3 लेयर्स सॉफ्टवेयर लेयर्स होते हैं। उसके बाद मिडल में ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कह सकते हैं। वो क्यों, अभी हम थोड़े देर में समझते हैं। एंड लास्ट 3 लेयर्स जो हैं वो हार्डवेयर लेयर्स हैं। दोस्तों, जब हम डेटा सेंड करते हैं देन वो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पर जाता है एंड जब हम डेटा रिसीव करते हैं देन वो डेटा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर पर जाता है। ये आप हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले हम सभी लेयर्स को एक एक करके समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इन्हें याद करने का एक सिंपल न्यूमोनिक बताऊंगा जिससे आप इन सभी लेयर्स को इजीली याद कर पाओगे। OSI मॉडल का सबसे पहला लेयर है फिजिकल लेयर एंड ये सबसे लोएस्ट लेयर है। इस लेयर में हम डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट करते हैं जिसमें डेटा केबल्स मॉडम हब्स होते हैं। स्विचेस राउटर्स इन जैसे चीजों का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर, जो कि मैसेजेस को नोड टू नोड डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस लेयर का मेन फंक्शन फिजिकल लेयर पर डेटा को बिना किसी एयर के वन नोड टू अनदर ट्रांसफर करना होता है। डेटा लिंक लेयर स्विचिंग एंड मैक एड्रेसेस पर वर्क करता है। हमारा फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर का काम होता है नेटवर्क लेयर से सर्विसेज को लेना एंड एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करना। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी किसी सिस्टम से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड होती है देन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मूव करना। इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहते हैं। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर TCP एंड UDP प्रोटोकॉल दोनों का यूज करता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि रिक्वेस्ट कैसी है। TCP एंड UDP के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पहले की वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट इज सेशन लेयर। ये हमारे OSI मॉडल का फिफ्थ लेयर है। गाइज, इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं क्योंकि इसे समझने के लिए सिर्फ इसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी, तभी आप इस लेयर को अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि सेशन लेयर का यूज होता है कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, उसके बाद सेशंस को ऑथेंटिकेट करने के साथ साथ सिक्योरिटी को भी मैनेज करना। हमारा सिक्स्थ लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसे हम ट्रांसलेशन लेयर भी कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे, उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना एंड उसे मैनिपुलेट करना रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ताकि उसे ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट किया जा सके। इस लेयर का मेन वर्क होता है डेटा को ट्रांसलेट करना, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करना एंड उसे कंप्रेस करना। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। गाइज, हम जब भी OSI मॉडल के लेयर्स के स्टैक्स को देखेंगे तो एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप में होता है, बट ये वैलिड तब होता है जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, लेकिन जब हमें डेटा रिसीव करना होता है देन यही OSI मॉडल बॉटम टू टॉप वर्क करता है। एप्लीकेशन लेयर हमारे OSI मॉडल का 7th लेयर है एंड इसे हम अपने नेटवर्क डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हैं। इस लेयर का मेन वर्क होता है एंड यूजर को रिसीव किए हुए डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में रेंडर करके डिस्प्ले करना। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं वेब ब्राउजर्स, मैसेंजर्स एंड ईमेल क्लाइंट्स। एप्लीकेशन लेयर को हम डेस्कटॉप लेयर भी कह सकते हैं। गाइज, अब हम OSI मॉडल के कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों को समझते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर आपको ये कहीं दिखे या फिर इनके बारे में अगर आपको कहीं सुनने को मिले तो आप कन्फ्यूज ना हो जाओ।
OSI मॉडल में सेशन लेयर को अपर लेयर या फिर सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा होते हैं उनको सेगमेंट्स कहा जाता है। नेटवर्क लेयर के जो सेगमेंट्स मीन्स जो डेटा होते हैं उनको पैकेट्स कहते हैं। डेटा लिंक लेयर में जो पैकेट्स होते हैं उनको फ्रेम्स कहते हैं। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर्स को हम लोअर लेयर या फिर हार्डवेयर लेयर भी कह सकते हैं। तो गाइज इन पॉइंट्स को आप याद रखना। अच्छा, अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि TCP/IP मॉडल इंटरनेट का बेस होता है। एंड इस वीडियो में मैंने आपसे कहा कि पूरा इंटरनेट OSI मॉडल पर बेस्ड होता है। सो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए हुए कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। दोस्तों, OSI मॉडल को सबसे पहले डेवलप किया गया था, उसके बाद हर एक लेयर्स के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया गया था। TCP/IP मॉडल में प्रोटोकॉल्स को पहले डेवलप किया गया था, उसके बाद इस मॉडल को डेवलप किया गया था। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स होते हैं। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर है, एंड OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ये दोनों नेटवर्क एक्सेस लेयर में आते हैं। गाइज नेटवर्क एक्सेस लेयर में हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं, एंड इस लेयर पर जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर दोनों का काम एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेट लेयर, जिसमें हमारे OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर है। फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे OSI मॉडल में भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहते हैं। उसके बाद है ये एप्लीकेशन लेयर, जिसमें OSI मॉडल के सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर ये तीनों एक साथ हैं, क्योंकि इस लेयर पर जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जैसे कि वेब ब्राउजर्स, वो इन तीनों का काम अच्छे से हैंडल कर सकता है। सो इसलिए TCP/IP मॉडल में इन तीनों लेयर्स को एक साथ कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ये TCP/IP मॉडल है वो OSI मॉडल से लेस कॉम्प्लिकेटेड है, एंड अगर आप इसे याद करना चाहते हो तो TCP/IP मॉडल को आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हो, एंड इसीलिए सिंपलिसिटी को देखते हुए करंट डेट में TCP/IP मॉडल यूज किया जाता है। अच्छा गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक इजी न्यूमोनिक बताऊंगा जिसे आप OSI मॉडल के सभी लेयर्स को मेमोराइज करने के लिए यूज कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, OSI मॉडल के सभी लेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड लेयर्स को याद करने के लिए आप ये निमोनिक याद कर सकते हो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। एंड इसे अगर आप बॉटम टू टॉप लिखो या फिर टॉप टू बॉटम लिखो, आप OSI मॉडल के सभी लेयर्स को इजिली मेमोराइज कर सकते हो। दोस्तों, आई होप कि आपको OSI मॉडल के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने क्वेश्चन या सजेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट में एक छोटा सा फीडबैक दे दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर बनाते रहें। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। सभी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।